तुम्हारे पापा की फेवरेट फिल्म पता है तुम लोगों को? कभी हाँ कभी ना। I can't. क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूं। लेकिन भी तुम रेडी क्यों नहीं हो? संधि जी बचपन से ही ऐसे हैं क्या? एक शब्द भी बोला ना तो मैं तेरे कान के नीचे सच में सितार बजाऊंगी। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मेरा डिवोर्स होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे, कहा था ना? तो फिर अब क्या हुआ? What happened? क्यों तुम रेडी नहीं हो भी? आज तुम ही damn it! तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ कि कभी शादी का वादा करोगे, कभी पीछे हट जाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मैं चुपचाप खड़े होकर सुनती रहूं? हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी भी। You can't decide every time. तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कोर्ट तक घसीटूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं। तुमने सिर्फ काव्या का प्यार और पागलपन देखा है। अगर काव्या प्यार में जान दे सकती है ना तो गुस्से में जान ले भी सकती है। चुप! एकदम चुप! इधर आओ, इधर खड़े रहो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों को क्या कहूं। जरा शर्म नहीं है? तमाशा करने से पहले कम से कम ये तो सोच लेते कि ये आपका घर नहीं है, आपका बेडरूम नहीं है, रिसोर्ट है, पूरी दुनिया देख रही है। और आप दोनों के बच्चे हैं जो बार बार आपका झगड़ा सुलझाने के लिए हम सबको बीच में पड़ना पड़ता है। आपको शादी करनी है कीजिए, नहीं करनी है मत कीजिए। लेकिन अगर नहीं करनी है ने, तो इसकी आंखों में आंखें डालकर ना कहने की हिम्मत रखिए। बात आगे नहीं बढ़ानी है तो बात खत्म करने की हिम्मत रखिए। ऐसे बात छोड़कर भागने से कुछ नहीं होने वाला और ना ही ऐसे चीखने चिल्लाने बदतमीजी करने से कुछ होने वाला है। बात तो सुसमर, स्वीटी, डोली बेन, इन सब की क्या गलती है? सुबह से इनको परेशान करके रखा हुआ है, जीना हराम करके रखा हुआ है इनका भी और साथ साथ मेरा भी। मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहती लेकिन बार 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 आप लोग ही मुझे बीच में घसीट के लेके आते हैं। अरे तलाक भी दे चुकी हूँ, अब तो मेरी जान छोड़िए। आपको जो फैसला लेना एक बार लीजिए ना, शादी कीजिए मत कीजिए, जो करना है कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले ने एक बार इसकी तरफ देख लीजिएगा। मुझे ये औरत जरा भी पसंद नहीं है, एक नंबर की बदतमीज है और इसकी हरकतें। लेकिन आपको तो ये पसंद थी ना, आपने इसे प्यार किया था, इसके लिए अपनी पत्नी को धोखा दिया था, घर तक तोड़ दिया। क्या वो सब इसलिए किया था कि एक दिन आप इसे भी छोड़ दें? और तुम इनके लिए दूसरी औरत बनी, ताने सहे, मेरा घर बर्बाद कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ इसलिए था कि 9 साल के बाद तुम इन्हें डरा धमका कर जबरदस्ती इनसे शादी करो। नौ साल तक आप लोगों ने दोहरी जिंदगी जी है, इसने सहेली होने का दिखावा किया और आपने पति होने का दिखावा किया। मेरी नजर में गिरने के लिए तो आपको 8 साल लगे पर अपनी नजर में तो उसी दिन गिर गए होंगे ना जिस दिन आपने पहली बार मुझसे झूठ बोला था। मेरे पति के साथ संबंध बनाने के बाद मेरी सहेली बनकर मेरे घर जब आती थी तब तुम्हें शर्म तो आई होगी ना काव्या? 8 साल तक रोज सुबह उठकर अपने नाम का सिंदूर मेरी मांग में जब देखते होगे, गले में मंगलसूत्र देखते होगे तो आपका सर भी शर्म से झुक जाता होगा ना? मैंने और इस परिवार ने इस झूठ का दर्द बस 1 साल सहा है पर आप दोनों ने तो इस झूठ को 9 साल जिया है।
सबके सामने अपना तमाशा बनाया, दुनिया की नजरों के सामने गिर गए, अपने आप से आंख मिलाने के लायक नहीं बचे। ये सब किस लिए? ताकि एक दिन आप दोनों एक दूसरे को छोड़ दें? मुझे नहीं पता कि आप दोनों को एक दूसरे में क्या अच्छा लगा, पर इतना जरूर पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आपके अंदर का अहम और इसके अंदर की कड़वाहट अगर अकेले रह गए तो ना खुद खुश रहेंगे ना किसी को खुश रहने देंगे। मैं जानती हूं आप किसी और से नहीं अपने आप से नाराज हैं, लेकिन अपने आप से कब तक रूठे रहेंगे? इसकी सिफारिश नहीं कर रही हूं, आज जो इसने हरकतें की है ना उसके बाद इसकी कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता। मैं आपकी खुशी के बारे में बात कर रही हूं, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे ना तो मेरा परिवार खुश नहीं रह पाएगा। और खुशी सिर्फ प्यार से मिलती है। 9 साल आपने इससे प्यार किया है, अभी आपकी मर्जी कि आप 9 साल के प्यार और 2 दिन के गुस्से में से किसे चुनते हैं। और तुम भी, अगर ये तुमसे शादी नहीं करना चाहते तो मेहरबानी करके जबरदस्ती मत करो ना। इतना सब कहने के बाद तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है तो बस अपने परिवार की। अगर तुम जबरदस्ती इस घर में बहू बन के चली जाओगी तो खुद भी दुखी रहोगी और मेरे परिवार को भी दुख देती रहोगी। और जरा सोचो, अगर धमकी देकर तुमने इनसे शादी कर भी ली पर कल को ये तुम्हें छोड़कर भाग गए तो तब क्या करोगी? इसलिए जीतना सीखो काव्या, छीनना नहीं। तुमने अपने प्यार के लिए एक औरत से उसका पति चुरा लिया, एक मां से उसके बेटे को दूर कर दिया, एक पिता और बच्चों के बीच में आ गई। अब इतने सारे रिश्ते बर्बाद करने के बाद कम से कम उसे तो बर्बाद मत करो जिससे प्यार किया है तुमने। और आप अगर प्यार करने की हिम्मत रखते हैं तो इसका हाथ थाम कर इससे शादी करने की भी हिम्मत रखिए ना। मैं जानती हूं, 1 साल से मैं जानती हूं कि अकेले रहने का दर्द क्या होता है। पति से अलग हुई, परिवार छूट गया, घर छूट गया, तलाक तक दे दिया। इस समाज में अगर औरत तलाक लेती है ना तो जब वो गली से गुजरती है तो लोग एक दूसरे को इशारे कर करके कहते हैं कि वो देखो वो जा रही है जिसने तलाक लिया। अनजान बड़े बुजुर्ग आकर ऐसी डांट के चले जाते हैं। पड़ोसी अपनी बेटियों से कहते हैं कि अरे उससे बात मत करो वरना बिगड़ जाओगी, वो तो तलाक वाली है। घुमा फिरा कर औरत को बस यही सिखाया जाता है कि मौत हो जाए चलेगा लेकिन तलाक नहीं होना चाहिए। पर फिर भी मैंने तलाक लिया, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। इसलिए मैंने हिम्मत करके एक कदम उठाया। अब आपकी बारी है, आप भी हिम्मत कीजिए ना, उठाइए कदम। 1 साल से जो दर्द का ये सिलसिला चला आ रहा है इसे एक बार तो खत्म कीजिए, या तो इस पार या तो उस पार, एक बार फैसला लेके खत्म कीजिए ना। देखिए मुझे आप सबके बीच में बोलने का हक नहीं है, लेकिन चूंकि ये बातें पब्लिक स्पेस में हो रही हैं तो ब्रदर मैन टू मैन जो भी डिसीजन लेना, हाँ या ना जो भी, तो अपने दिल से लेना बस। हाँ या ना का ऑप्शन अब तुम्हारे पास नहीं है। अभी अब या तो तुम मुझसे शादी करोगे या फिर जेल जाओगे।
It's as simple as that. तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा धमका के पा सकती हो? अगर मुझे वो भी करना पड़े ना तो मैं कर लूंगी। तुम्हें जो करना है करो, मुझे जेल भेजना है भेजो, मुझे फांसी लगवानी है तो फांसी लगवा दो, लेकिन वनराज शाह सिर्फ अपनी मर्जी की करता है, किसी और की नहीं, और चाहे उसको उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। पर भी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है काव्या। तुम लोगों को लगता है कि मैं यहां से डर के भाग गया था? नहीं, मेरा यहां पे दम घुट रहा था, मेरी सांस नहीं आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए दूर चला गया था। लेकिन थोड़ी देर के लिए दूर क्या गया, तुमने यहां तमाशा खड़ा कर दिया, मेरे घर वालों को डराया धमकाया। डोंट यू एवर एवर डू दैट अगेन। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? सो सॉरी काव्या, तुम मेरी नई समधन बनते बनते रह गई। पंडित जी सॉरी, हाँ आप जाइए, शादी नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट हुआ, पर डोंट वरी आपकी दक्षिणा आपको मिल जाएगी। हाँ पंडित जी, अपनी जगह पे बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि अब ये शादी होगी। लेकिन डर की वजह से नहीं, प्यार की वजह से। दोनों का विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए।
कंग्रेचुलेशंस वी, हमारी शादी हो गई, हमारी शादी हो गई, हमारी शादी हो गई। लोग अपनी पूरी मैरिड लाइफ में इतना ड्रामा नहीं करते जितना आप दोनों ने फेरे लेने तक किया है। एनीवे कंग्रेचुलेशंस, आपका स्कूल ऑफ ड्रामा, आई मीन गृहस्थी ऐसी ही चलती रहे। वी, हमारे यहाँ शादी के बाद एक छोटी सी रस्म होती है, मैंने ऑलरेडी सारी तैयारियां की हुई है यही रिसोर्ट के मंदिर में। चलो वी। अब तक शादी हो गई होगी, सब अंदर चले गए होंगे, अब मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ। ये तो बापूजी, बापूजी नई बहू को आशीर्वाद देने के लिए बापूजी जामनगर से आ गए, लेकिन बा सामने वाले कॉटेज से नहीं आई। बापूजी, आपके बिना मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अकेला पड़ गया था, पर अब तो अकेला नहीं है, किसी को साथी जो बनाया है, और साथी बनाया है तो एक बात याद रख, साथी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जाता। इस शादी में तो सब कुछ नया हो रहा है, अब देखो ना, नई बहू से पहले पुरानी बहू का गृह प्रवेश हो गया। कैसी है मेरी बेटी? नाराज हूं। किससे? आपसे। आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप आता तो बहुत जल्दी आ जाता। चलती हूं। अब ठीक तो है ना? अब ठीक हो गया हूं, तुझे जो देख लिया, भले देर से आया लेकिन आ गया हूं। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब तक सिर्फ पिता का आशीर्वाद तेरे साथ था, अब पिता भी तेरे साथ है। सारा आशीर्वाद पुरानी बहू को दे देंगे क्या? अरे नई बहू के लिए भी कुछ बचा के रखिए। अरे बा, नई बहू पहली बार घर पर आई है, स्वैग से नहीं कम से कम आरती की थाली से तो स्वागत कीजिए, कलश रखिए, गृह प्रवेश करिए, फिर वही यूजुअल बात कहिए जो हर सास अपनी बहू से कहती है कि दूधो नहाओ, पूतो फलो, मुझे जल्दी से दादी बना दो। ओह नो मिस्टर शाह, क्या आपका ये भी इरादा है क्या? आई मीन तोशु का 25 साल छोटा भाई या बहन आने वाली है क्या? विल यू जस्ट शट अप? हाउ स्वीट। क्या बा, आपने ना बहू को आशीर्वाद दिया ना आरती की, कुछ भी नहीं किया। बहू मानती तो आरती भी करती और आशीर्वाद भी देती। इट्स नॉट फेयर बा, आप अपने नई बहू को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? हाँ, और उसने हमारे साथ किया वो क्या, एक घंटे पहले वो हमें जेल भिजवा रही थी और मैं उसकी आरती उतारू, उसका गृह प्रवेश कराऊ, घर पे पड़ोसी केबल वाला पोस्ट में आएगा तो उसकी आरती करूंगी, फिर तेरी नहीं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।